Hello, students. Welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Rainwal. I hope everyone is doing good at your place and also doing study on time. Our school has started online classes. You must take advantage of this opportunity. This will help us to cover the syllabus and maintain the flow of study. I will love to see your individual talents and watching you grow.

उनमें चेंजेस कैसे होते हैं वो स्टेट्स आपस में चेंज कैसे होती है डियर स्टूडेंट्स वी ऑलरेडी नो दैट मैटर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर की थ्री स्टेट्स कौन कौन सी होती है सॉलिड लिक्विड एंड गैस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस इनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होते हैं कौन कौन सी चीजें होती है इनमें वो डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मेटर इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है इन सब के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मेटर की जो स्टेट्स होती है उनमें चेंजेज कैसे होता है लाइक फ्रीजिंग मेल्टिंग ई एंड कंडेंशन ये प्रोसेस क्या होती है कौन सी स्टेट्स किस में चेंज होती है तब उसको फ्रीजिंग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं ई वेपोरेशन की प्रोसेस होती है या फिर कंडेंसेशन होता है इन सब के बारे में हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मेटर ए चेंज ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज इन ए मेटर मेटर में जो फिजिकल चेंज होता है दे आर रिवर्सिबल चेंजेज रिवर्सिबल मीन्स वापस इनको उसकी पहले वाले फॉर्म में चेंज करना रिवर्स होती है दे आर रिवर्सिबल चेंजेस एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेज इन द केमिकल मेकअप ऑफ मेटर ये जो चेंजेज होते हैं वो किसी भी केमिकल मेकअप मेटर से मेटर के केमिकल मेकअप से चेंज नहीं होते उसमें चेंजेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं कॉमन चेंजेज ऑफ द स्टेट इंक्लूड मेल्टिंग फ्रीजिंग साबीमेशन डिपोजिशन कंडेंशन एंड वेपोराइजेशन फ्रीजिंग फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंजेज फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू ए सॉलिड स्टेट अपॉन कूलिंग फ्रीजिंग की प्रोसेस में क्या होता है फ्रीजिंग प्रोसेस में सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में होता है वो किस में चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में इट मीन्स किसी भी चीज को हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम कूल cool करते हैं कूलिंग प्रोसेस में वो क्या होता है जब उसको कूल cool करते हैं तो वह सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है वेन कैप्ड इन फ्रीजर फॉर टू वेन वाटर कैप्ड इन फ्रीजर फोर टू थ्री आवर्स अगर जब हम वाटर को फ्रीजर में टू थ्री आवर्स के लिए रखते हैं देन वाटर चेंजेस इन टू आइस तो वाटर किस में चेंज हो जाता है आइस में यह प्रोसेस कौन सी प्रोसेस कहलाती है फ्रीजिंग मेल्टिंग मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाई विच ए सबस्टन्स चेंजेज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो यह किसमें चेंज हो जाता है लिक्विड सब्सटेंस में इट मींस सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना कौन सी प्रोसेस होती है मेल्टिंग कीप सम आइस क्यूब्स इन ए पेन कुछ आइस क्यूब्स हम कहाँ रखेंगे पेन में एंड हीट इट जेंटली और उसको हीट करते हैं द आइस मेल्ट टू फॉर्म वाटर ये जो आइस होती है वो किस में चेंज हो जाती है वाटर में तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है मेल्टिंग इट मींस मेल्टिंग प्रोसेस में सॉलिड स्टेट जो होती है वो लिक्विड हीटिंग हीटिंग के अंदर जब सॉलिड स्टेट को हीट किया जाता है तो वो सॉलिड स्टेट जो होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है यह प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है ई वैपोरेशन ई इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इनटू इट्स वेपर फॉर्म अपॉन हीटिंग वेटर, वेपर फॉर्म में चेंज होता है कैसे ई वेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट जो होती है वो उसकी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है किससे हीटिंग के दौरान हीट वॉटर इन एक केटल एक केटल में हम क्या करेंगे वॉटर को हीट करेंगे आफ्टर सम टाइम द वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग थोड़ी देर बाद वोटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है एंड यू कैन सी स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम वॉटर उससे स्टीम निकलती है भाप जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलती है तो वो क्या होती है उसकी फॉर्म, तो ई वेपोरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी लिक्विड स्टेट उसको जब हम हीट करते हैं तो वो अपनी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है जिसे हम इ वेपरेशन प्रोसेस कहते हैं अब कंडेंसेशन क्या होता है इसके नाम से कंडेंसेशन यानी ये कूल होता है कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंजेज फ्रॉम द गेसिय स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट अपॉन कूलिंग कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है वो ई वेपरेशन के प्रोसेस के बिल्कुल ओपोजिट होती है ई वेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता था लिक्विड स्टेट उसकी वेपर फॉर्म मीन्स गैस में चेंज हो जाती है और कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस फॉर्म जो होती है वो उसकी लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है उसमें हम लिक्विड स्टेट को हीट करते थे और कंडेंसेशन में हम गैस की जो फॉर्म होती है गैसियस फॉर्म को कूल cool करके उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट अपोन कूलिंग वाटर वेपर कैन बी चेंज बैक टू द वॉटर बाई कूलिंग इट वॉटर वेपर जो होती है उसको कूल cool करके हम वापस वॉटर में चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पुट ए कूल स्टील प्लेट अबोव द वॉटर वेपर जब हम कोई वॉटर गर्म करते हैं किसी भी पेन में तो हम क्या करते हैं उस हमें क्या करना उस पेन पे एक स्टील की प्लेट रख देते हैं तो वो वाटर वेपर जो होती है वो स्टील की प्लेट पे ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा हो जाएगी द वॉटर वेपर कूल्स डाउन वेन इट कम्स इन ए कॉन्टेक्ट विथ द कूल प्लेट एंड चेंजेज बैक टू वे वाटर अब इस प्लेट को हम कूल एयर मींस जब ये प्लेट जो होती है वो कूल cool एयर के कांटेक्ट में आती है तो यह वोटर वेपर जो होती है वो किस में चेंज हो जाती है वापस वोटर में चेंज ऑफ स्टेट्स कैन बी इजीली ऑब्जर्वड इन सब्सटेंसेस सच इज बटर एंड वेक्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न और सजेशंस please write us on mentioned comment box we will try to resolve your query be happy be safe thank you